हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ रवीश मिठी। इस वीडियो में हम वैदिक एज का अगला एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का प्रिलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका एपिसोड 13 था ये। हमने पिछली वीडियोस में अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ा, और शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर जानकारी ले सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में आपको समझा चुका था, लेकिन इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो रह गया था। इसके बाद हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक एज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, नोमेडिक स्टेज को क्रॉस करके वो आ गए थे। उन्हें अब तक हम पढ़ते आए थे कि चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर सेटल होने लग गए। हालाँकि कैटल की इंपॉर्टेंस उतनी ही थी, सेटल होने लग गए, लेकिन जानवरों की, कैटल की, पालतू पशुओं की इंपॉर्टेंस उतनी ही थी, और उनसे ज़्यादा भी थी, जितनी तो ज़मीन की भी नहीं थी। कैट और कैमल और टाइगर से फैमिलियर वो नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्ली, ऊंट और टाइगर से फैमिलियर भी नहीं थे। टाइगर वॉज नॉट नोन। हालांकि जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि लोयन, एलिफेंट, बोर को वो जानते थे। व्यापार, ट्रेड इतना नहीं था, वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वॉज देयर। मनी और मार्केट्स थी, लेकिन एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं होती थी। इतना होता था कि सफिशेंसी हो जाती थी, काम चल जाता था, मतलब गुजारा चल जाता था लोगों का, सरप्लस पैदा वो नहीं कर पाते थे। मीडिया एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, ऐसे तो बाटर सिस्टम चलता था, लेकिन अगर मैं ऐसे फिक्स्ड वैल्यू की बात करूं कि इम्पोर्टेंस क्या थी, मतलब अगर मुझे कुछ वेल्थ देखनी है किसी आदमी की, तो उसकी डिपेंड करती उसके पास काऊ कितनी है, और मीडिया ऑफ एक्सचेंज काऊ और गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे। कॉइन्स अभी नहीं आए हैं, कॉइन्स जो हैं वो अभी नहीं आए हैं, इतना आप याद रखिएगा, कॉइन्स अभी नहीं आए हैं। कारपेंटर, स्मिथ, टेनर्स, वीवर्स, पोटर्स, ग्रिंडर्स जो कॉर्न के होते हैं वो थे, यानी वेरियस तरह के कॉम्प्लेक्स, अगर मैं बोलूँ उनको, कॉम्प्लेक्स प्रोफेशंस जो हैं आ चुके थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हीलिंग वाउंड और क्यूरिंग डिसीजेस का आर्ट था, यानी बीमारियों को ठीक करना आता था लोगों को, यहाँ तक कि सर्जरी में भी एक्सपर्ट थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली सर्जरी पे डिपेंड थे, वे जो है मंत्रों से, चाम से और इनसे भी ठीक हो जाते थे। तो ड्रग्स भी थे, औषधियाँ भी थीं, और साथ में चाम्स भी थे, स्पेल्स भी थे, ये सब डिसीज़ को हील करने में मददगार साबित होती थी। पोटरी की बात करूँ तो ओर्चे कलर्ड पोटरी थी 1500 BC से 1000 BC तक, तो यही रही अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक की हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं लेटर वैदिक एरिया में लेटर वैदिक पीरियड में ज्योग्राफिकल एरिया। मैं आपको कह चुका था कि जो आर्यंस थे वे बेसिकली जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे वे पंजाब जो रीजन था वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स सप्त सिंधु वहाँ तक सीमित थे। ज्योग्राफिकल एरिया अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड के लोगों की बात करूँ तो वो वर्चुअली नॉर्थन इंडिया तक हो गया था पूरा। सरस्वती से गंगा तक पूरा उनका कल्चर्स आ गया था, जहाँ उनको गंगा, जहाँ पे मध्य देश भी बोलते थे उस टाइम पे। और सरस्वती, इंदस, झेलम, सतलज, रवि, ब्यास तो अर्ली वैदिक पीरियड में मेंशन हुई थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में नर्मदा, सतनीरा और चंबल भी मेंशन हुई है। सतनीरा को गंडक कहते हैं आज के टाइम पे। जनपदास का इमर्जन शुरू हो गया, महाजनपदा नहीं, जनपदास, महाजनपदास बाद में आएंगे, जनपद शुरू हो गए, कुरु, पांचाल, काशी, इनकी कैपिटल्स भी होती थी। लेटर वैदिक लिटरेचर में विंध्या माउंटेन भी मेंशन है। मैं आपको बताया था कि जो माउंटेन्स तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी थे, लेकिन वो हिमालय माउंटेन्स, हिंदू कुश, ये माउंटेन्स थे, लेकिन इसमें विंध्या माउंटेन्स यानी जो साउदर्न माउंटेन्स है अपने, वो भी इसमें आने लग गए, यानी ये धीरे धीरे इट लैंड को कवर करने लग गए, आगे बढ़ने लग गए, जो है ये मिडल इंडिया की तरफ आ गए थे, मध्य देश जब कहते थे वहाँ पे उसकी तरफ आ चुके थे। और ऐसे अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो इंडिया 3 डिविजन्स में डिवाइडेड था, आर्यवर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ। आर्यवर्त तो शुरू से ही था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड में मध्य देश में तक आ गए थे और दक्षिण पथ तक ही पहुँच हो गई थी इनकी। पॉलिटी की बात करूँ तो देखो, मैं आपको कह चुका हूँ कि जनपद आ गए थे, तो जनपद मतलब लार्ज किंगडम्स और उनकी सिटीज आ गई थी, कैपिटल्स भी आ गई थी। और ये तैत्या ब्राह्मणा, माफ़ कीजिए ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, तैत्या ब्राह्मणा है, बी जाने कहाँ चला गया, बी जो है लिखने में दिक्कत हो गई, तैत्या ब्राह्मणा जो है उसमें आप देखोगे थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप आई, यानी कि राजा को सब कुछ मानने लग गए कि हाँ राजा ही सब कुछ है, राजा के पास कंसिडरेबल पावर आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ
तो देखो अर्ली वैदिक एज में मैंने बताया था कि सभा समिति विधाता गणा थी, सभा और समिति जो थी राजाओं की जो पावर्स थी उन पर चेक करती थी कि राजा जो है न्याय कर रहा है लेकिन आर्बिट्ररी नहीं कर रहा ना, राजा काम तो कर रहा है लेकिन ढंग से करे, फेयर तरीके से काम हो। इसके लिए असेंबलीज थी, उनमें रिच लोग रहते थे, पावरफुल लोग रहते थे सभा समिति विधाता गणा में, और वहाँ पर वुमेन भी अटेंड करती थी अपने पतियों के साथ वो असेंबलीज। जैसे मैं अगर बात करूँ सभा, जैसे अगर सभा और विधाता वुमेन अटेंड करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें आप देखोगे कि किंगशिप जो है बढ़ती चली गई, किंग की पावर बढ़ गई। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप निकल के आया, यानी राजा है वो राजा है, वो सब कुछ सही करेगा, राजा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, राजा भगवान का जो है अवतार है, भगवान ही है राजा, ठीक है। तो ऐसा जो है होने लग गया, और इससे देखा जाएगा अगर आप दिमाग लगाओ कि जो असेंबली से उसकी पावर भी कम होती जाएगी, और ऐसा ही हुआ, राजा की पावर बढ़ी लेकिन जो मैंने बताया था सभा समिति विधाता गणा अर्ली वैदिक पीरियड में था वो विधाता और गणा हट गया और सभा और समिति रह गया, और वुमेन को तो जो सभा अटेंड करती थी वुमेन वो भी अटेंड करना बंद कर दिया गया। तो राजा की पावर बढ़ती चली गई, और राजा की पावर बढ़ती चली गई तो यहाँ पे जैसे जैसे लोग आगे ये नॉर्दर्न इंडिया को कवर करेंगे, एरिया ज़्यादा कवर में आएगा तो उनको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चाहिए, तो नए सिविल फंक्शनरी निकल के आ गए। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो पुरोहिता सेनानी ग्रामीण ये तो पहले से ही थे, लेकिन और नए सिविल फंक्शनरी निकल के आ गए लेटर वैदिक पीरियड में, उनके नाम और उनके काम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। भाग दूधर कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, सुता सरथी रॉयल हेराल्ड और चेरेटर जो रथवत का ख्याल रखता है, खस्त्री जो राजा के घर का और मतलब उसके डोमेस्टिक जो कार्य हैं उनका ध्यान रखता है, अक्षवापा कुरियर संदेशा पहुँचाने का लाने का काम जो है इसका होता है, चार ऑफिसर्स आप याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको और ऑफिसर्स का नाम ऑफिसर्स बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये पढ़िए कि मिलिट्री जो है वो वैसी की वैसी ही रही, बढ़ोतरी किस में हुई, सिविलरी फंक्शन में, सिविल जो फंक्शनरीज थी वे बढ़ गए, चार ऑफिसर्स नए निकल के आ गए पुरोहिता ग्रामीणी सेनानी के अलावा। अच्छा सेनानी तो मिलिट्री में है ना, हाँ तो मिलिट्री ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेनानी और ग्रामीणी वैसे की वैसे ही थे, इसलिए मैंने बोला कि सिविल फंक्शनरी में पुरोहिता के अलावा आ गए, लेकिन मिलिट्री की अगर बात करूँ तो सेनानी और ग्रामीणी ही रहे, उनके अलावा कोई भी निकल के नहीं आया। रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट निकल के आ गया, कैसे जनपद बढ़े, प्रोविंसेस निकल के आए, सिटीज आई, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जो है चलाना यहाँ पे शुरू हो गया, नेसेसिटी हो गई इसकी कि रेगुलर सिस्टम निकल के आए, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अब चले, राजा ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करके रख सकता, डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। हालांकि राजा की पावर बढ़ती चली गई थी, सभा और समिति ही बच गई थी, जो विधाता था वो हट गया था और वुमेन को अलाउ नहीं किया गया था, रिच कंट्रोल अभी भी करते थे, स्टैंडिंग आर्मी तो अभी भी नहीं थी। स्टैंडिंग आर्मी तब होती है जब आप आर्मी को कुछ दे सको, इतना सरप्लस आपके पास हो कि आर्मी आपके लिए तत्काल 24 घंटे खड़ी रहे आपके लिए लड़ने के लिए। हालांकि अब आप बोलोगे आर्मी नहीं थी तो युद्ध वगैरह कैसे होते थे, देखो ट्राइबल मिलिशियाज होते थे उस टाइम पे, तो उनको जब जरूरत पड़ती थी, ट्राइबल मिलिशियाज को क्या कहते थे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी जब भी तब भी उन ट्राइबल मिलिशियाज को जो है बुलाया जाता था और लड़ने के लिए कहा जाता था। स्टैंडिंग आर्मी मतलब 24 घंटे राजा की सेवा में खड़ी रहने वाली आर्मी नहीं थी। जुडिशरी बढ़ती चली गई, जुडिशरी तो बढ़ती ही क्योंकि जो लॉज क्रिमिनल लॉज ये बढ़ते चले गए और किंग की पावर भी वैसे बढ़ रही थी। तो ये जो है कुछ और ऑफिसर्स के नाम है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करते थे, जैसे कि स्थापति जो कि जो ट्राइबल लोग थे, अबरिजिनल लोग थे जो वहीं से रह रहे थे कुछ समय सालों से, उनके एरिया को मैनेज कर लेता। सतपति जो था वो गांव के ऊपर एक ऑफिसर था 100 गांवों के ऊपर। अधिकृता वो विलेज ऑफिसर था, वो इससे छोटा था। उग्रा पुलिस ऑफिसर था एक, ठीक है। तो इनको बार बार पढ़िएगा, याद रखिएगा, हो जाएगा, दीवार के सामने चिपका दो प्रिंट करके, सब याद हो जाएगा। सोसाइटी, सोसाइटी की मैं बात करूँ तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो राजा राम मोहन रॉय थे और जो हिस्टोरियंस जो हमारे लीडर्स थे वो अर्ली वैदिक एज में जो वेदास थे उनको कितना पसंद करते थे, वो क्यों चाहते थे कि हमारी सोसाइटी अर्ली वैदिक एज की जैसे थोड़े बहुत आइडियल्स लेके चले लेटर वैदिक एज में। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिविजन्स थे वो बढ़ते चले गए, इतना रिजिड नहीं हुआ था, लेकिन आप देखोगे कि कास्टल जो कास्ट से रिलेटेड जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला गया, और यजना जो है वो इलेबरेट हो गए, जो सेक्रीफाइस जो हवन होते थे उस टाइम पे, जो सेक्रीफाइस सेरेमोनियल जो सेक्रीफाइस होते थे वो बढ़ गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, मंत्र वगैरह बढ़ते चले गए। तो इनके लिए जो है एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत पड़नी शुरू हो गई, जिनको बोलते हैं ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा जो है उनकी पावर बढ़ती चली गई और डिवीजन भी है सोसाइटी का वो बढ़ता चला गया, लेकिन इतना रिजिड नहीं था। गोत्रा जो है वो अपीयर होना शुरू हो गया, क्लैन, यानी आप कौन से गोत्र से बिलोंग करते हो, किससे बिलोंग करते हो, पहले टेरिटरी से जो है यहाँ पे नाता जोड़ के रखते थे लोग। पहले ये था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें टेरिटरी से लोग जुड़े हुए थे कि यहाँ पे आपकी टेरिटरी कौन सी है, तो लोग जो थे वो जगह के नाम के हिसाब से बताते थे कि हाँ हम यहाँ के हैं।
तो और अब लेटर वैदिक एरियड में गोत्र जो है डेवलप हो गया, गोत्र यानी क्लैन, कि आप जो है वो एक तरीके से आपकी गोत कास्ट क्या है, आप कहाँ रहते हो उससे मतलब नहीं, आपकी कास्ट क्या है, गोत्र क्या है, ठीक है, कास्ट नहीं है, गोत्र की बात कर रहा हूँ, क्लैन की, ठीक है। अच्छा, हायर कास्ट वाले लोअर वन से मैरिज कर सकते थे, लेकिन शूद्रा से मैरिज परमिटेड नहीं थी। जबाला उपनिषद जो है वे चार आश्रम्स की बात करते हैं, चार स्टेजेस की बात करते हैं, जिंदगी में कोई भी आदमी उसको चार स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ऐसा जबाला उपनिषद में लिखा हुआ था, जिनको चार आश्रम भी कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होता चला गया, वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होता चला गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि लड़कियाँ तो जो है वो मुसीबत लाती है, कि लड़का जो है खुशियाँ लाता है, हालांकि उस टाइम ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट थी, इसलिए कहा जाता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन हुआ है। मोनोगेमी जो है आइडियल थी, लेकिन पोलोगेमी भी होनी शुरू हो गई। मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ पोलोगेमी थी और वुमेन की स्टेटस काफ़ी अच्छा था, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, विडो रीमैरिज भी होती थी, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे सोसाइटी जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, आइडियल जो चीज़ थी उससे हटती चली जा रही है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हुआ जाता हूँ कि दो तरह के विवाह होते थे, एक तो अच्छा विवाह तो बहुत तरह के होते थे, लेकिन अगर अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट से करता तो उसको बोलते हैं अनुलोम, और अगर इसका उल्टा यानी लोअर कास्ट का दूल्हा अगर अपर कास्ट की दुल्हन से करता है तो उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू ऑल। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।